शॉपिंग करनी कि नहीं करनी, दैट इज नेवर द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज कि मैं मॉल जाऊँ या स्ट्रीट शॉपिंग जाऊँ. सो इन दिस वीडियो, इन दिस चैलेंज, इट्स नॉट गोना बी लाइक द अदर चैलेंजेस वेयर नॉर्मली द टेक अवे इज कि यार स्ट्रीट शॉपिंग इज बेटर. आई एम गोना शो यू कि व्हाट आर द बेस्ट थिंग्स जो मॉल से लेनी चाहिए एंड व्हाट आर द बेस्ट थिंग्स फॉर द स्ट्रीट शॉपिंग सेक्शन. आर यू रेडी? लेट्स बिगिन विद द 5000 रुपी चैलेंज एट द मॉल वर्सेस सरोजनी नगर, लिटरली द बेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड. दिल्ली इज लाइक द शॉपिंग हब ऑफ इंडिया इन माय ओपिनियन. दिस इज सरोजनी, जनरल, लाजपत, ऑल द अमेजिंग शॉपिंग प्लेसेस एंड द मॉल्स हियर आर मैसिव एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन फाइंड इन 5000 रुपीस. देखो ये दोनों मेरी बेटी है, मैं उसकी माँ हूँ. सच्ची में आन रहा हूँ मैम, बोल कुछ कॉम्प्लीमेंट दो अब आपकी तरफ से. व्हिच वन इज बेटर एंड एवरीवन थिंक्स दिस इज बेटर. विल गेट दूसरा पैटर्न देखा जाए क्या, आप क्या को दिखाओगे? DLF के सारे जो कनेक्टेड मॉल्स थे, विच हैड प्रोमेनाड ऑल्सो, एम्बियंस ऑल्सो एंड आई फॉरगॉट द थर्ड वन्स नेम, लेकिन मेजॉरिटी शॉपिंग मैंने की DLF एम्बियंस मॉल से. द फर्स्ट स्टोर वी वेंट टू वाज H&M होम. इसकी फिजिकल स्टोर मैंने पहले कभी नहीं देखी एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि लेट्स एक्सप्लोर. द फर्स्ट थिंग आई लाइक फ्रॉम देयर वाज दिस वेरी क्यूट बोटानिकल कैंडल. इट हैज अ ग्लास पैकेजिंग एंड इतना सूदिंग एस्थेटिक बेबी पिंक कलर है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेन वी आर बाइंग गुड सेंटेड कैंडल्स, ए इट स्टेज वेल, द बर्न टाइम शुड बी गुड, बिकॉज दिस इज समथिंग जो हम इनहेल करने वाले. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर दिस टू बी गुड क्वालिटी एंड दैट्स व्हाई इट्स बेटर कि हम ये मॉल से ले. ओ एंड डस स्मेल सो फ्रेश, इट स्मेल्स लाइक अ मॉकटेल. दिस कैंडल वॉज ओनली फॉर 199 रुपीज एंड इट मेक्स फॉर अ ग्रेट गिफ्ट. दूसरी चीज जो मैंने ली थी, इतने अच्छे से रैप करके भेजा था ना उन्होंने, इतना क्यूट है ये. इट्स अ वेरी क्यूट लिटिल ट्रिंकेट ट्रे विथ लाइक चीता प्रिंट ऑन इट. उसके एच पे ना गोल्डन बॉर्डर है एंड दिस वॉज ओनली फॉर 149. तो ऐसे लक्स लुकिंग लाइक गोल्ड रिम वगैरह जो ट्रिंकेट ट्रेज है वो मैंने स्ट्रीट शॉपिंग में देखे नहीं है, बंजारा में भी मैंने नहीं देखे थे एंड दैट्स वाई दिस इज अ मॉल बाय. क्योंकि फिर आता है मेकअप. मेकअप इज ऑल्सो समथिंग जो आप डायरेक्टली आपके फेस पे लगाते हो. सो नेवर एवर डू आई थिंक यू शुड बाई डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स और सस्ते जो हुडा ब्यूटी की ड्यूप्स वगैरह दिखते हैं ना मार्केट में, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम देम बिकॉज यू डोंट नो उसमें क्या डाला गया है. रेगुलेशन से वो पास नहीं हुआ है, देयर आरंट एनी अप्रूवल्स ऑन इट एंड यू आर अप्लाइंग ऑन योर फेस, कुछ भी हो सकता है यू नो बाय दैट. सो आई ऑलवेज थिंक मेकअप शुड बी बॉट फ्रॉम लाइक प्रॉपर स्टोर्स एंड ऑफिशियल स्टोर्स. तो मैं कीको मिलानो के आउटलेट गई थी, आई फाउंड अ पर्पल मस्कारा, लाइक आई हैव नेवर सीन वन बिफोर. तो एक तो यूनिक आइटम भी हो गया जो नॉर्मली नहीं मिलती है, प्लस ग्रेट क्वालिटी. ये मस्कारा था फॉर 590 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 590 रुपीज. अब थर्ड कैटेगरी है स्किन केयर. नाउ यू नो माय लॉजिक कि going on the face has to be good quality. So Forest Essentials is my current favorite brand right now and this is a very very expensive 100% luxury brand mein aata hai. Moisturizers for 4000 and all, to Clinique wali range mein aa jati hai iski pricing. So for the challenge I wanted something more affordable and I found this natural deodorant. So this is the bottle. I'm going to be very blunt and honest as usual ki packaging kuch khas nahi hai. This product is for 1095. उस हिसाब से
a plastic bottle with a sticker is not something that, you know, excites me. It is very average. It could have been better, I feel, for the price. But I know that I'm paying for the product. Isliye main baar baar khareedti hu. Like, everything I own from Forest Essentials is with my own money and I still keep buying so much. So, ye deodorant hai in the variant lavender and neem. इसकी फ्रेग्रेंस इज नॉट द मोस्ट वाव क्योंकि ये एक डिओडरेंट है, परफ्यूम नहीं है. जो बैड ऑडर होती है स्वेट की, ये वो कंट्रोल करता है. सो ट्राई करके आपको बताती हूँ कि इफ इट वर्क्ड वेल फॉर मी और नॉट, बिकॉज़ आई स्वेट अ लॉट. डांस भी जाना होता है, वर्कआउट भी करना होता है, लेकिन स्किन केयर शुड डेफिनेटली बी ऑफ योर स्किन टाइप एंड अ गुड ब्रांड, एंड दैट्स वाई ओनली फ्रॉम द मॉल और ऑनलाइन, बट नॉट फ्रॉम स्ट्रीट मार्केट्स. एंड देन वन थिंग जो जल्दी से नहीं मिलती आज स्ट्रीट मार्केट्स इज स्टेशनरी. मॉल जाऊंगी, स्टेशनरी नहीं लूंगी तो फिर क्या कर लिया मैंने मॉल जाके. सो आई वेंट टू मिनीसो बिकॉज बाय दिस टाइम वी हैड स्पेंट क्वाइट आधे से ज़्यादा बजट हम स्पेंड कर चुके थे. एंड आई फाउंड दिस डुअल एंडेड कलर पेंसिल्स. नाउ आई नो व्हाट यू थिंकिंग कि अरे कलर पेंसिल्स तो स्ट्रीट मार्केट में भी मिल जाते हैं नॉट लोकल शॉप्स, बट द लेड क्वालिटी ऑल्सो मैटर्स. लाइक द काइंड ऑफ स्मूथनेस अ पेंसिल कम्स विद, द पिगमेंटेशन. It's not just for lipstick, it's for stationery also. So this set was for 260 rupees and I like that it's compact. That 12 pencils in place, you're getting 24 colors. So if you like journaling on the go, this is very nice for that. And then I found these two pens ka set for I think 75 rupees, 70 rupees. There's like a polar bear on it and chotu chotu flowers on it. So the planner ke side pe hum insert kar dete hai. उसके लिए बहुत सही रहती है. हाँ, एंड सिंस आई हैड बीन टू मिनीसो आई वॉन्टेड दिस मेकअप रिमूविंग टॉवल्स इन सो लॉन्ग. लेकिन मुंबई के मिनीसो में ना हमेशा इट हैड बीन आउट ऑफ स्टॉक ओनली. तो व्हेन आई सॉ दिस आई जस्ट ग्रैब्ड इट. दिस इज फॉर 250 रुपीज. एंड ऐसी सारी चीज़ें भी रिनाउंड ब्रांड से लेना बेटर है क्योंकि इसके तो रिव्यूज देख देख के मुझे भी पता है कि बहुत अच्छे से काम करता है. बट अगेन यू पुटिंग दिस ऑन योर फेस एंड यू आर इन्वेस्टिंग मनी इन इट, तो इट बेटर वर्क. बहुत सारे माइक्रोफाइबर टॉवल्स अवेलेबल होते हैं बट मोस्ट ऑफ देम डोंट डू लाइक अ गुड जॉब. बट फॉर दिस वन आई वर्ड गुड रिव्यूज एंड आई ऑल्सो टेल यू कि मेरे लिए काम किया कि नहीं. लास्टली वन थिंग दैट आई लाइक बाइंग फ्रॉम द मॉल मोर देन द स्ट्रीट शॉपिंग, इन फैक्ट आई डोंट थिंक आई बॉट दीज आर स्ट्रीट शॉपिंग, इज गुड क्वालिटी फुटवेयर. क्योंकि लुक तो चलो अच्छा आ जाएगा बट देन यू आर बाइंग फुटवेयर टू वेयर इट वेरी फ्रीक्वेंटली. एंड अगर उसका कम्फर्ट एंड क्वालिटी अच्छी नहीं है, यू गोना गेट शू बाइट्स एंड इट्स नॉट गोना बी गुड फॉर योर फीट. सो आई फाउंड अ वेरी एग्जॉटिक पेयर फ्रॉम आचू. आई डिड नॉट नो आचू हैड अ स्टोर. सो वेन वी सॉ आई वेंट एंड आस्क्ड एंड दे सेड दिस इज द फर्स्ट स्टोर जो अभी अभी खुली है. एंड these jutis, technically they're not even jutis, they're open mules, lekin the handwork on these is वेरी वेरी ब्यूटिफुल. हो सकता है कि आपको शायद इसका ड्यूप मिल जाए कोई मार्केट में बहुत ढूंढने पे. मैंने तो चांदनी चौक में भी ढूंढा था, बट दैट्स जस्ट नॉर्मल जूतीज एंड दैट टू बारीकी ऐसी नहीं थी, वेरिएशन ऐसा नहीं था. जैसे इसमें गोल्डन वर्क भी है, बीड वर्क भी है, सीक्वेंट वर्क भी है, ऐसे वेराइटी मुझे मिली नहीं. बट मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट इज दिस सोल. सोल में जो कुशनिंग है, जो ड्यूरेबिलिटी है एंड जो कम्फर्ट दैट माई फीट गेट वेन आई बी वेयरिंग दिस फॉर सो ऑफन इज वॉट वी पे मनी फॉर. स्केचर्स करके एक ब्रांड है विच इज़ नोन मेजरली फॉर द कम्फर्ट ओनली. तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फुटवेयर जो आप डेली में पहनोगे, आई थिंक इट शुड बी ऑफ अ गुड क्वालिटी, गुड सोल एंड मोस्टली फ्रॉम अ गुड ब्रांड. तो ये था हमारा 5000 रुपीज एट द मॉल. काफी इंटरेस्टिंग मिक्स था फ्रॉम मेकअप, स्किन केयर, स्टेशनरी टू ऑल थिंग्स गुड. बट लेट मी टेल यू वॉट आर द बेटर थिंग्स टू बाय फ्रॉम सरोजनी जो मैंने बिल्कुल मॉल से नहीं ली. नंबर वन इज सिल्वर ज्वेलरी. अपॉलोजीज फॉर द बैग, मेरी ना सारी बैग फुल हो गई थी, मुझे पॉलीथिन लेनी पड़ी, बट आई एम नॉट डिस्कार्डिंग इट रिस्पॉन्सिबली. तो जो ये झुमके होते हैं, एक तो देर सो प्रिटी. आचू के स्टोर में आई डिड सी मोर झुमकास बट दे वर फॉर लाइक 1000 रुपीज. आई एम नॉट सेइंग कि उसकी क्वालिटी उसकी क्वालिटी सेम है, ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस. बट इफ यू डोंट माइंड दैट, लाइक इफ यू डोंट माइंड दिस काइंड ऑफ क्वालिटी, यू गेट दिस फॉर लाइक समटाइम्स 30 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज. सो आई गॉट दिस, आई थिंक दिस इज फॉर 50 रुपीज. फिर ये क्यूट लिटिल डेंटी इयर रिंग्स, दिस वर फॉर 50 रुपीज. ये गोल्डन हुप्स, ये भी 50 रुपीज के थे. एंड ये ब्रेसलेट, I'm thinking for next Goa trip या next some beach location. This was for around I think 70 या 80 rupees. ये colorful झुमके for I think around 100 या 150 rupees. और ये मम्मा ने लिया था छोटा सा cute mirror work choker.
ये भी 50-100 रुपीस के बीच में ही था, क्योंकि हमने सब एक जगह से लिया ना, तो देन देयर वाज अ बल्क रेट. और मैंने बहुत सुंदर ज्वेलरी ली है जनपद से, उधर की कलेक्शन बहुत बेटर थी सरोजनी से, वो यू गेट टू सी इन शॉर्ट्स. लेट्स मूव ऑन टू क्लोदिंग. एज यू कैन सी, मैंने क्लोदिंग बिल्कुल नहीं ली मॉल से, बिकॉज आई फील लाइक स्ट्रीट मार्केट में ना अच्छी क्लोदिंग ढूंढना इज वेरी इजी एंड प्राइसेस आर गोइंग टू ब्लो योर माइंड. सो लेट्स स्टार्ट विद स्कर्ट्स. मुझे ना स्कर्ट्स पहनना बहुत अच्छा लगता है एंड विंटर में स्टॉकिंग्स के साथ वो बहुत स्मार्ट लगता है. सरोजनी में आई फाउंड दिस वन डेनिम स्कर्ट शॉप, जहाँ से मैंने ये वाला स्कर्ट लिया. इसमें आगे चेन के पास ना एक छोटा सा सर्कुलर जिपर है एंड द एंटायर क्वालिटी इज क्वाइट सॉफ्ट डेनिम एंड कट इज ऑल्सो वेरी नाइस. मेजरली ना मुझे सरोजनी नगर में एक्सपोर्ट सरप्लस दिखते, लाइक एक्सपोर्ट रिजेक्ट दिखते हैं. द जिप फॉर दिस इज ऑल्सो फ्रॉम YKK. YKK जिप्स आर लाइक वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी. तो ये स्कर्ट वॉज ओनली फॉर 250 रुपीज़ आई थिंक. येस, लिटरली मॉल में ऐसा स्कर्ट 2000 के नीचे मिलेगा नहीं. आजकल तो मॉल में स्कर्ट्स मिलते भी नहीं, आई डोंट नो व्हाई. देन दिस पाउडर ब्लू लेदर स्कर्ट, ओ माय गॉड. इसके साइड में ना थोड़ी सी स्वेट पैनलिंग है एंड अदरवाइज द एंटायर स्कर्ट इज PU लेदर. एक्चुअली ना मेरे पास ये सेम कलर में एक लेदर जैकेट है, तो मैंने सोचा था कि कॉर्ड सेट बनाऊंगी. तो मैं ये बहुत करती हूँ, व्हेन आई सी समथिंग जिसका सिमिलर ऊपर या नीचे का मेरे पास घर पे है, आई मेक इट इनटू अ कॉर्ड एंड इट ऑलवेज लुक्स गुड. यू शुड ऑल्सो ट्राई इट. एंड देन द थर्ड स्कर्ट आई बॉट इज दिस ब्यूटिफुल टैन, इट्स नॉट एग्जैक्टली टैन बट रस्ट कलर्ड स्कर्ट. रस्ट इज द परफेक्ट वर्ड. इसमें फ्लेयर ज़्यादा है एंड प्लीट्स है इसमें. दिस इज अ फोर्स वेट मटीरियल एंड विद ब्लैक स्टॉकिंग दिस लुक डैम गुड. ईच स्कर्ट आई थिंक वॉज अराउंड द सेम 250-300 के बीच में ही था, विच इज़ अ टोटल स्टील. टोटल स्टील फॉर दीज काइंड ऑफ क्वालिटी स्कर्ट्स. अनदर स्टील इन सरोजनी आर दीज निट वेयर स्वेटर्स. आप कोई भी स्टोर में चले जाओ मॉल में, निट वेयर इज ऑलवेज मोर एक्सपेंसिव बिकॉज ए यान एंड एवरी थिंग. द रॉ मटेरियल्स फॉर दिस इज वेरी एक्सपेंसिव एंड एवरेज प्राइस फॉर निट वेयर स्टार्ट्स ओनली एट 2000 रुपीज. बट जो ऐसे ट्रेंडिंग पीसेज है, दिस इज कॉल्ड आर्गाइल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द प्रिंट इज कॉल्ड आर्गाइल. दिस हैज़ बीन सुपर ट्रेंडिंग सिंस लास्ट ईयर एंड आई फाउंड अ नाइस कलर स्कीम इन दिस पर्पल येलो क्रीम ओनली फॉर 200 रुपीज. गाइज 200 रुपये में कहाँ मिलता है इतना मस्त. द क्वालिटी इज डैम गुड. 3 साल पहले जब मैं सरोजनी गई थी ना, वो पीसेज मैं अभी भी यूज़ करती हूँ सम ऑफ देम एंड इट्स नॉट लाइक अ वन वॉश थिंग, दे डू लास्ट क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. एंड देन जैकेट्स, जैकेट्स ढूंढना थोड़ा मुश्किल है. आई हैव अ शॉप फॉर यू, आई एम गोइंग टू बी पोस्टिंग द शॉर्ट्स अबाउट इट. लेकिन वंस यू फाइंड द राइट शॉप, यू आर इन फॉर अ ट्रीट. लाइक लुक एट दिस जैकेट, इसके रिप्स ना बहुत इंटरेस्टिंग है. मेरे को वो स्ट्रेट वाले रिप्स नहीं अच्छे लगते, पता है, मतलब ऐसे एक पैच होता है जिसमें खाली रिप्स होते हैं. आई डोंट लाइक दैट, आई लाइक ऐसे रैंडम स्कैटर्ड रिप्स. बट इफ यू थॉट दैट इज द मेन एलिमेंट, लुक एट दिस, इट्स हैंड पेंटेड फ्रॉम द बैक. And normally these kind of pieces are A, hard to find, B, very very pricey, because kuch bhi handwork involved ho jata hai na, of course the labor cost goes up for that. I found this one for like, I think 400 rupees. I know, 400 for this. And lastly, this varsity jacket. And when I tell you this is thick, मैं फंस गई थी इसमें, मैंने वो रेट बताया. सो देयर्स अ लिटिल के ऑन दिस, दैट वाज समथिंग दैट आई थॉट कि एच लू या के लू, मैं के ले लेती हूँ थोड़ा. आई मस्कोफाई हिम व्हेन आई कम बैक. बट एयरपोर्ट से आते वक्त इसलिए मैंने पहना था एंड एट दैट टाइम आई नोटिस कि अंदर से ये पूरा क्विल्टेड है. यू सी दैट, इतना मोटा इतना जाड़ा जैकेट है ना ये, कि आई जेन्युइनली गॉट स्टक इन दिस व्हेन आई वाज ट्राइंग टू कम आउट. Sleeves are faux leather and yahan pe bhi there's like a fun little patch inserted. At the bottom of the jacket now there is elastic, to uski fit bahut achhi aa jati hai and iske pockets bhi functional hai, काफ़ी डीप है, फ़ोन वोन आराम से आ जाता है. सो अगेन दीज काइंड ऑफ जैकेट्स, नहीं फ़ोन नहीं आएगा यार, मेरा दूसरा फ़ोन आया था इसमें शायद. दीज काइंड ऑफ जैकेट्स ईजिली रेंज फॉर 3000 एंड अबव एट द मॉल, बट आई गॉट दिस फॉर अराउंड 1100 or 1200 रुपीज फ्रॉम सरोजनी नगर, विच इज़ ग्रेट, टू गुड. ये क्वालिटी का अगर मैं मॉल में लेने जाऊँगी ना, तो अराउंड 4000-5000 का तो आएगा ही. एंड लास्टली फुटवेयर में, बट ओनली हील्स. हील्स में भी द रीज़न आई बॉट दीज हील्स इज आई फाउंड द स्टोर कॉल्ड किम्स. आई थिंक इट इज़ क्वाइट फेमस. अब मैं दिल्ली की हूँ नहीं, मैं मुंबई की, इसलिए मुझे पता नहीं कि किम्स कितनी फेमस है और नहीं है. बट वहाँ पे ना सेल लगी थी ऑफ बाय एनी 3 हील्स फॉर 1500, मतलब एक पेयर ऑफ हील्स फॉर 500. तो मैंने सोचा कि चलो देख के तो आता क्या है.
एंड थैंक गॉड हम देखने गए बिकॉज लेट मी शो यू द फर्स्ट पेयर दैट आई फेल इन लव विद, जिसके वजह से जो हमने और लिया है वो मैं आपको सरोजिनी नगर हॉल में दिखाऊंगी. रेडी फॉर द फर्स्ट पेयर? इट्स मैचिंग माई टॉप. दीज पिंक हील्स, आगे से ना जेली है ऑन द टू स्ट्रैप्स एंड लुक एट द हील. इट्स ट्रांसपेरेंट, इट हैज़ अ डिफरेंट शेप. इसकी देख लो, उसमें ना टैग है. लुक एट द हील फॉर दिस. लिटरली सिंड्रेला का ग्लास स्लिपर होता है ना, वैसा सॉर्ट ऑफ हील है इसका. इट डज हैव द एमआरपी टैग ऑन दिस. लुक एट द एमआरपी, इट्स 1899. बट आई थिंक दे हैड सम क्लियरेंस सेल. क्यों सेल था वो मुझे पता नहीं, बट सेल था एंड हमने फ़ायदा उठा लिया उस चीज़ का. कुशन भी बहुत अच्छे. सो बेसिकली ये फुटवेयर ना आप स्ट्रीट शॉपिंग वाले फुटवेयर में नहीं गिन सकते, क्योंकि ये लिया हमने प्रॉपर स्टोर से है एंड दे हैड लाइक अ सेल गोइंग ऑन. सो व्हेनेवर यू गोइंग टू सरोजनी, डेफिनेटली चेक दिस स्टोर आउट कॉल्ड किम्स. अंदर जाके देख के आने का कुछ ऑफर है कि नहीं, बिकॉज क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड डिज़ाइन इज़ लाइक सो गुड. तो ये था 500 रुपीज़ के लिए. एंड द सेकेंड पेयर ऑफ हील्स आई बॉट आर दीज शैम्पेन कलर्ड हील्स. सॉरी आई एम नॉट शोइंग देम टू यू एकदम प्रॉपरली, बट मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि कंट्रोल नहीं कर पा रही, पता है, ऑफ हाउ आई वॉन्ट होल्ड इट. सो इसमें टायर स्ट्रैप्स है एंड पूरे टायर पे भी ना ऐसे छोटे छोटे सीक्वेंस अटैच्ड है. हील ना ट्विस्टेड है, इट्स अ ट्रांसपेरेंट हील लेकिन ट्विस्टेड. ये भी सिंड्रेला स्लिपर की वाइब दे रही है. तो मैंने न्यूट कलर इसलिए लिया कि व्हेन आई वेयर इट लिटरली सिर्फ डायमंड्स दिखने चाहिए एंड नथिंग एल्स. एंड बहुत अच्छी लगती है. आई कैन डेफिनेटली वेयर दिस टू इवेंट्स ऑल्सो. पता है आई डोंट हैव दिस कि सरोजनी ये सब नहीं पहनूंगी. वॉट इट शुड जस्ट गो विद द आउटफिट, डजेंट मैटर हाउ मच इज इट एंड वेयर इट्स फ्रॉम. थर्ड पेयर दैट वी बॉट आर दीज वेरी वेरी क्यूट लाइम ग्रीन ब्लॉक हील्स. कंपेरेटिवली उन दोनों से थोड़ी सिंपल है, थोड़ी और कैजुअल है, लेकिन ये कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा. टाइप डिटेल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सही है. एंड इसके स्ट्रैप्स पर ना छोटे से ऐसे गोल्डन अटैचमेंट्स एगलेट्स है. एंड यस आई डिड नॉट स्टॉप एट 3. आई वॉन्ट टू गेट समथिंग फॉर मम्मा ऑल्सो. तो अभी भागवत सप्ताह आ रही है. ऑल माई गुज्जू गैंग विल नो वॉट भागवत सप्ताह इज. नाना नानी के पीछे है भागवत सप्ताह इस बार. तो आई थॉट कि दीज कोल्हापुरी वेजेस आर वेरी वेरी गुड फॉर हर, क्योंकि एक तो इस पर जो वर्क है ना वो एकदम आँख में जाने वाला ब्राइट, मतलब इट्स नॉट गॉडी वर्क, इट्स सटल वर्क. एंड कुशन भी इस पर काफ़ी अच्छा है बिकॉज यू नो देर फ्रॉम अ गुड क्वालिटी स्टोर. द साइड्स ऑफ द कोल्हापुरीज ऑल्सो हैव द फैब्रिक जिसपे थोड़ी सी शाइन है ऐसे, एंड आगे से मेटालिक रिफ्लेक्शन है इसका. सो मम्मा ने ट्रायल भी करा, उनको अच्छे लगे. सो आई गॉट दीज ऑल्सो फॉर 500 ओनली. एंड लास्टली from the street shopping thing, I bought these velvet flats. These are from a local stall only, aise alag se stand laga tha bhaiya ka. And he had a bunch of variety of like green, rust, pink, all different colors. Lekin mujhe trial karne pe yehi acche lage. So only if I find like a very very unique pair of flats and agar wo thode se bhi comfortable hote to hi main leti hu. Ye I think 250 ke liye the maine. They are worth it for that price. So ye ethnic wear mein boho look add kar dete ye. To honestly मैं ना सरोजनी में थोड़ी कैरिड अवे हो गई, तो मुझे नहीं पता कि 5000 हुआ है कि उसके ऊपर गया है. आप प्राइस कैलकुलेट करके कमेंट्स में बताना इफ़ आई वेंट अबव बजट और नॉट. लेकिन दिस इज द क्लियर डिफरेंस ऑफ व्हाट आई थिंक यू शुड बाय फ्रॉम स्ट्रीट मार्केट्स एंड व्हाट आई थिंक यू शुड बाय फ्रॉम द मॉल. तो ऐसा नहीं कि वन इज़ बेटर देन दी अदर, दोनों की अपनी अपनी खासियत है. तो आप कॉमेंट्स में मुझे ये भी बताओ कि आपको ज़्यादा शॉपिंग कौन सी अच्छी लगी, सरोजनी वाली या मॉल वाली. मुझे पर्सनली सरोजनी वाली ज़्यादा पसंद आई इस बार. लेकिन इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो देन डू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोस. इफ यू डिड नॉट एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो बिंदास गिव इट अ थम्स डाउन. आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी वेरी सून. अंटिल देन गुड बाय.